हेलो उथरिन फैमिली, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सभी लोगों को बढ़िया होना भी चाहिए। नाइट का एपिसोड आप लोगों ने देखा होगा जो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, और जो आप लोग पीछे पड़े हुए थे ना, काइलेन 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 काइलेन, आ गई काइलेन। खोज मिल गई, दिल को शांति मिल गई काइलेन, फूट गए मन में लड्डू। हाँ हाँ मैं भी काफी खुश हूँ भाई, लेकिन इस एपिसोड में एक और सीक्रेट रिवेल होने वाला है जो कि आपको एपिसोड में ही पता चलने वाला है। मैं ना बता रहा, मतलब मैं ही बताऊंगा लेकिन एपिसोड में बताऊंगा। तो सीक्रेट के नाम पे लाइक कर दो रे बाबा, और जिस जिसको वो सीक्रेट पता है कमेंट कर दो, अभी करो। और नहीं पता तो चलो एपिसोड पे चलते हैं, और मैं बता देता हूँ तुम लोगों को थोड़ा सा पिछला एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जुआन रिट्रीट में चला गया था, और पूरे डाउरी कॉन्टिनेंट में खलबली मची हुई होती है रेजुवेशन पिल के कारण, क्योंकि सभी को वो चाहिए थी भाई। हर लड़की चाहती है कि वो हमेशा यंग रहे। यहाँ तो लड़कियों ने ऑफर चलाया था कि जो मुझे रेजुवेशन पिल ला के देगा फर्स्ट, हाँ मतलब वही समझ लो, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। साथ ही लड़कों ने भी यहाँ अपनी तिजोरी खाली करनी शुरू कर दी थी। कुछ फ्रूट ऑफ लाइफ ढूंढ रहे थे तो जिनके पास थे वो खरीदना शुरू कर चुके थे। यहाँ पे जो पिल पवेलियन था उसमें भी तर्क विचार विमर्श होते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जिसके बाद वो रिजल्ट पे जाते हैं कि 1000+ जो हमारे पास डले हुए फ्रूट ऑफ लाइफ उनका यूज करके हम खरीद लेंगे भाई रिजर्वेशन पिल। दोस्त अभी ऑकलैंड के पास भी 500+ फ्रूट थे, तो वो भी खरीदने के लिए पहुंच जाते हैं और उनको छूट मिल जाती है, एक फ्रूट कम में उनको मिलती है क्योंकि जॉन के मास्टर थे ना। देन ऐसे ही हमने काफी सारी चीजें देखी होती, तभी याओक्लेन के पेट्रियार्क को फील होता है कि याओक्लेन के फैमिली ट्री में लाइट ग्लो हो रही है, और देखते हैं कि याओ चैन का नाम ग्लो हो रहा था। दौड़ते हुए टीरिंग सिटी पहुंचते हैं, वहाँ पे याओ चैन और काइलेन मिलती हैं, जिन्हें वो जियो मैंसन में छोड़ने के लिए जाने ही वाले थे, लेकिन तभी कायोस मेटल के दो टट्टू वहाँ पे पहुंच जाते हैं। इसलिए वो जैनी को, आई मीन पहले तो जियो यान को वॉइस ट्रांसमिशन भेजते हैं, लेकिन जियो यान रिप्लाई नहीं करता, तो वो जैनी को भेजते हैं, और जैनी कहती है मैं अकेले नहीं जाऊंगी, और किंग मुयर को लेकर वो निकल पड़ती है। दूसरी जो कि जोक्लेन में अरेंजमेंट कर रही थी, जिसके बाद मैंने एपिसोड एंड कर दिया था। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता जस्ट वहीं से। अगर तुम लोगों ने पिछला एपिसोड मिस किया है ना, बहुत कुछ मिस कर दिया, इसीलिए इस एपिसोड से देखने से पहले पिछला एपिसोड जरूर देख लेना। चलो तो एपिसोड की शुरुआत होती है, और हमें दिखाया जाता है कि याओ योटियान आखिरकार थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं जब वो देखते हैं टियरिंग सिटी के अंदर जैनी को आते हुए। हालांकि कैओस जियांग डोंग और कैओस जियांग सी जैनी और मुयर को तो नहीं जानते थे, पर ये जानते थे कि जो मैंसन के अंदर दो इम्पोर्टेंट लड़कियां हैं तो इनकी पोजीशन भी इम्पोर्टेंट होगी। यहाँ पे काइलेन सभी के, आई मीन काइलेन नहीं, जैनी और मुयर सभी के ग्रीट को जवाब में ग्रीट करते हुए काइलेन की तरफ देखती हैं, तो अचानक इनकी आंखें चमकने लगती हैं और ये चौंक गई होती हैं कि इतनी सुंदर लड़की, हॉट ब्यूटीफुल ग्लैमरस, क्या वास्तव में ये जुआन की वाइफ है। यहाँ पे तो इन दोनों के मुँह से केवल एक ही चीज निकलती है, क्या माल है ये लड़की, आई मीन कमाल है ये लड़की, ये जुआन की वाइफ है। यहाँ पे हवा में लहराते हुए काइलेन के बाल, स्नो जेड व्हाइट स्किन, चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल, बॉडी में एक अलग ही अट्रैक्शन जो कि बड़ी बड़ी सिटियों को डिस्ट्रॉय कर सकता था, और पावरफुल से पावरफुल पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता था, वो इतनी शांति से खड़ी हुई होती है। यहाँ पे तो इन दोनों लड़कियों की काइलेन से नजर ही नहीं हट रही होती, और इन दोनों लड़कियों को देख काइलेन जो की अब तक शांत थी उसका दिल मचलने लगता है कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है। साथ ही योटियान बिहेवियर को देखकर उसने अंदाजा लगा लिया था कि ये दोनों ही लड़की जो मैंसन से रिलेटेड होंगी और जो यान की तरफ से उसे लेने आई थी, लेकिन काइलेन के दिल में केवल एक ही क्वेश्चन होता है कि जो यान कहाँ पर है और वो खुद क्यों नहीं आया, और अगर कुछ हुआ है तो जो यान ने अपने मास्टर के मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया, और अगर उसे भेज नहीं था तो इन दो सुंदर लड़कियों के बजाय किसी और को भेज देता, लड़कियां ही क्यों भेजी। हालांकि यहाँ पे काइलेन अपने दिल में थोड़ा सा टेंशन फ्री होती है, लेकिन उसे ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि ये दोनों लड़कियां भी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल हैं, अति सुंदर, स्वर्ग की अप्सराएं, लेकिन जहां तक अट्रैक्शन की बात उससे ऊपर नहीं थी अभी भी। साथ ही ये लड़कियां कोई भी नॉर्मल सबऑर्डिनेट तो नहीं लग रही, और उसी टाइम पे जो यान को लेकर काइलेन का दिल डगमगाने लगता कि कहीं फिसल तो नहीं गया, और यहाँ पे तो ये तुरंत जेनी और मुयर को लेकर अलर्ट हो गई होती है और दिल में एनिमी वाली फीलिंग आ गई होती है, हम कॉम्पिटिटर है भाई। यहाँ पे जेनी काइलेन को एनिमी जैसे देखते हुए थोड़ा सा हैरान होती है और तुरंत ही आगे बढ़ती है और माफी मांगते हुए स्माइल करते हुए काइलेन को ग्रीट करते हुए कहती है मिस काइलेन आप तो बहुत सुंदर है, मैं और मिस मुयर तो लगभग फ्रीज ही हो गए थे। जिसके बाद वो तुरंत ही टीचर यावलाओ की तरफ देखते हुए कहती है हमें माफ करिएगा, क्या आप यंग मास्टर जो के मास्टर यावलाओ हैं? यंग मास्टर जो अक्सर आपसे हमसे आपके बारे में बात करते हैं। तभी टीचर यावलाओ काइलेन की तरफ से पूछते हुए कहते हैं वैसे आप दोनों लड़कियां कौन हैं? तभी याओ योटियान आगे बढ़ते हुए जैनी की तरफ इशारा करते हुए कहते चलो मैं बताता हूँ, साथ ही मिस काइलेन से भी इन्हें मिलवाता हूँ, ये मिस जेनी है जो कि जियो मैंसन के मेन मैनेजमेंट को संभालती है और ह्यूमन एम्परर की बेटी है। जिसके बाद वो जेनी के बगल में मुयर की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं ये किंग मुयर है जो यान के मुंह बोले भाई डायमंड एम्परर की छोटी बहन। यहाँ पे ह्यूमन एम्परर और डायमंड एम्परर जैसे पावरफुल नामों को सुनकर कोई भी जान सकता था कि डाउडी कॉन्टिनेंट में इनकी पोजीशन कम नहीं होगी और ये इम्पोर्टेंट पर्सन होंगे।
इसीलिए याओ लाओ जेनी और किंग मुयर को काफी ज्यादा पोलाइटली ग्रीट करते हैं और उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और तुरंत ही कहते हैं इनके बारे में जानना तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट की बात है। लेकिन यहाँ पे दोनों ही लड़कियां जो यान के मास्टर से ग्रीट को कैसे बर्दाश्त कर सकती थी, खासकर तो किंग मुयर, उसकी तो जान से सगाई हो चुकी है और यान के मास्टर तो उसके लिए फादर जैसे थे। वे दोनों लड़कियां अगल बगल हो जाती हैं, साथ ही बहाना मारते हुए कहती हैं, मास्टर आप यंग मास्टर जो के मास्टर हैं, आपको हमें ग्रीट करने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि हमें आपको ग्रीट करना चाहिए। यहाँ पे मुयर हमेशा ही अपने दिल से टीचर यावलाओ के रिस्पेक्ट करती थी क्योंकि उसने जॉन से इनके बारे में काफी कुछ सुना था। दोस्त अब कायलेन के मुंह में एटीट्यूड और ईगो को देखकर ये अलग ही हैरान होते कि ये लड़की काहे को चौड़ में घूम रही है। लेकिन बेचारी कायलेन से ना तो गुस्सा होती ना ही नाराज, बल्कि उसकी तरफ काइंड ही रहती है। आखिरकार कायलेन जो यान की वाइफ थी, लेकिन यहाँ पे तो मुयर कायलेन से एज अ फ्रेंड नहीं हो पा रही थी। यहाँ तो उसे ऐसा फील हो रहा होता जैसे कोई अजनबी अचानक से आकर उसका फेवरेट खिलौना छीलने वाला हो जो उसे सबसे ज्यादा पसंद है। इसलिए जब जेनी ने कायलेन से बात की थी और उसे ग्रीट किया था, मुयर ने नहीं किया भाई, मुयर बस कायलेन को देख रही थी। हालांकि यहाँ पे यावलाओ और कायलेन ने सोचा था कि एज अ डेमन एम्परर की लिटिल सिस्टर मुयर में ईगो होगा, उन्होंने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि बात इतनी बड़ी हो सकती है। साथ ही यहाँ पे कायलेन ने जब दोनों लड़कियों को मास्टर के प्रति इतना ज्यादा पोलाइट होते हुए और जॉन को इतनी रिस्पेक्ट देते हुए सुना तो उसकी जो थोड़ी सी गुस्सा और एनिमी वाली फीलिंग थी और कम हो गई थी। इसलिए कायलेन तुरंत ही जेनी की तरफ स्माइल पास करते हुए कहती है, मिस जेनी जो यान खुद क्यों नहीं आया। हालांकि यहाँ पे जब जेनी जवाब देने ही वाली होती कि तभी हवा में एक तेज आवाज के साथ ग्रीन कलर की फिगर अपीयर होती है और बंदे ने हरे कलर की शर्ट पहन रखी होती है। अच्छा लंबा तगड़ा सुंदर जवान लड़का होता है जिसके सिर पर एक हरा तेज सींग भी साइन हो रहा होता है जो बिल्कुल मेटल की तरह साइन था। और उसके आते ही वे दोनों ब्रदर कैओस जियान डोंग और जियांग सी झुककर ग्रीट करते हुए कहते हैं, यंग मास्टर। जो देखकर यावी योटियान कहते हैं, वारक्राफ्ट फैमिली का यंग मास्टर। र्यूमर्स में उन्हें पता था कि वारक्राफ्ट फैमिली काफी ज्यादा पावरफुल और मिस्टीरियस है और वारक्राफ्ट फैमिली के बारे में एक भी र्यूमर अगर बाहर निकलता है तो यह पूरे डाउडी कॉन्टिनेंट में फैल सकता था क्योंकि डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर वारक्राफ्ट फैमिली को नंबर वन में रखा गया था और कभी कभार ही इनके बारे में कोई खबर मिलती थी, जैसे कि नान एर्मिंग और जो जान को वो लाल कपड़ों वाली लड़की, साथ ही कैओस इमॉर्टल द्वारा 5-स्टार डाउडी को 4-स्टार की पावर के साथ खतरनाक तरीके से मार देने की जो बात थी वो भी डाउडी कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ी न्यूज बन गई थी। यहाँ पे याओ योटियान तो काफी हैरान होते हैं कि वो तो याओ लाओ को लेने के लिए आए थे कि जॉन की वाइफ मिल गई। फिर 2-7-स्टार डाउडी जो वारक्राफ्ट फैमिली के थे अब वारक्राफ्ट फैमिली का यंग मास्टर, वो काफी हैरान होते हैं। जबकि जेनी और मुयर यहाँ पे शांत होते हैं क्योंकि उन्हें पता था ये कैओस इमॉर्टल है और उन्हें ये भी पता था कि कायलेन हैविंग स्वेलिंग पाइथन है और वारक्राफ्ट फैमिली में फायर फिनिक्स ट्राइब की वीक ब्लड लाइन को स्ट्रॉन्ग कर सकती है क्योंकि जॉन ने उन्हें ये सब बताया था। और ये जो डाउडी थे ये कायलेन को जो मेंशन तक छोड़ने के लिए ही आए थे वारक्राफ्ट फैमिली से, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कैओस इमॉर्टल यहाँ पे खुद आएगा, जिससे उसे लगता है कि वास्तव में कायलेन को प्रोटेक्ट करने के लिए वारक्राफ्ट फैमिली ने काफी कुछ इन्वेस्टमेंट की है। इसलिए जो यान के ब्रदर को देखते हुए ये दोनों ही लड़कियां काफी खुश होती हैं। दोस्त यावलाओ और कायलेन तो टेंशन फ्री होते हैं, उन्हें पता ही नहीं था कि ये कौन है। और कहते हैं ना, जितनी कम चीजें पता होती है टेंशन भी उतनी ही कम। साथ ही उन्हें नहीं पता था कि इसकी आइडेंटिटी और भी ज्यादा खतरनाक है। तभी कैओस इमॉर्टल यहाँ पे सहलाते हुए सभी को देखकर नमस्ते कहता है और इसके बाद उसकी नजर कायलेन पर पड़ती है जो याओ योटियान के बगल में खड़ी थी। तो बंदे के तो इंप्रेशन अरे हो गए होते हैं जब वो कायलेन की ब्यूटी को देखता है, बंदा अपनी ड्यूटी भूल गया होता है। जिसके बाद वो तुरंत ही कायलेन को ग्रीट करते हुए कहता है, आप मिस कायलेन होनी चाहिए, मैं वारक्राफ्ट फैमिली से कैओस इमॉर्टल, मैं आपको यहाँ से जो मेंशन तक ले जाने के लिए आया हूँ। और ये देखकर कि ये कैओस इमॉर्टल है, याओ योटियान भी थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं क्योंकि उन्होंने दोनों के बीच यानी जो यानो कैओस इमॉर्टल के बीच के रिश्ते का जिक्र सुना था जियान से। यहाँ पे उन्हें पता था कैओस इमॉर्टल काफी ज्यादा टैलेंटेड पर्सन है और वो इसलिए फेमस नहीं है क्योंकि वो वारक्राफ्ट फैमिली का यंग मास्टर है, बल्कि वो अनबीटेबल टैलेंटेड पर्सन है। और कैओस वारक्राफ्ट फैमिली के अंदर उसी ने अपने ब्लड को सबसे हाईली एक्टिवेट किया है अच्छी तरीके से। तभी कायलेन इंप्रेशन लेस तरीके से कैओस इमॉर्टल को देखती है। इसके बाद कैओस जियान डोंग और कैओस जियांगसी की तरफ देखते हुए कहती है, इन्होंने कहा कि ये मुझे ऑर्डर के तहत यहाँ से पिक करके जो मेंशन तक ले जाने के लिए आए थे और ये तुम्हें यंग मास्टर कहते हैं, तो क्या ये सिर्फ आपका आदेश था। तभी कैओस इमॉर्टल स्माइल करते हुए कहता है, आप ये नहीं कह सकती कि ये मेरे ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, ये फैमिली का ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। तभी कायलेन कहती है, लेकिन मुझे तो अपने ब्लड में और ब्रीथ में कोई भी ऑरा या पावर या डिफरेंस फील नहीं हुआ, जिसका मतलब मेरे और वारक्राफ्ट फैमिली के बीच में कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं है, तो आप कैसे पता लगा सकते हैं कि मैं वही पर्सन हूँ जिसे आप ढूंढना चाहते हैं। जिस पे कैओस इमॉर्टल तुरंत ही कहता है, ये मेरी वारक्राफ्ट फैमिली का सीक्रेट है और बाहरी लोगों के सामने इसे नहीं बताया जा सकता। और इसके बाद वो याओ योटियान जेनी और मुयर की तरफ देखता है और ये वही क्वेश्चन था जिसे लेकर याओ योटियान भी काफी एक्साइटेड थे कि इन्हें पता कैसे चला। लेकिन उन्होंने जब ये सुना कि कैओस इमॉर्टल इस क्वेश्चन का आंसर देने में झिझक रहा है तो वो इस बात को नहीं बढ़ाते। तभी कैओस इमॉर्टल कहता है, ब्रदर और सिस्टर्स, ये जगह बात करने के लिए अच्छी नहीं है, जब हम जो यान के जो मेंशन में पहुंच जाएंगे तो मैं आपको सीक्रेट बताऊंगा, ये कैसा रहेगा। तभी कायलेन कहती है, ब्रदर और सिस्टर हैं,
ये कैसा रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? तभी घर से मॉडल कहते, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया, मैं जो यान का मुंह बोला भाई हूँ। जो देखकर कालीन कहती है, कितने देवर पाल रखे हैं इसने, जो भी तीसरा बंदा मिल रहा है सब इसके भाई हैं। जिसके बाद वो तुरंत ही अपना सिर लाते हुए कैश मॉडल को ग्रीट करती है और तुरंत ही कहती है, मैं नहीं जानती थी कि आप उनके भाई हैं। तभी कैश मॉडल कहता है, ब्रदर जो यान ने मुझसे कहा था कि वो आपके आने को फील नहीं कर पाएंगे, इसलिए खास तौर पर उन्होंने मुझे यहाँ इंतजार करने के लिए किसी को भेजने के लिए कहा था। साथ ही कैश जान डोंग और कैश जांग सी यहाँ पे आप दोनों का ही इंतजार कर रहे थे। जिस पे कालीन दोनों को ही ग्रीट करते हुए कहती है, आप दोनों का धन्यवाद सीनियर। हालांकि कालीन कुछ पूछना चाहती थी कि तभी कैश मॉडल जेनी और बुयर की तरफ देखते हुए कहता है, तो आप दोनों जो मेंशन से हैं, तो जो यान क्यों नहीं आया? जिस पे जेनी स्माइल करते हुए कहती है, यंग मास्टर रिट्रीट में है और उन्हें परेशान करना वास्तव में नुकसानदायक था, इसलिए हमें यहाँ पे यंग मिस को लेने आना पड़ गया। जो सुनकर कैश सेमोटल से हिलाते हुए कहता है, अगर वास्तव में वो पीछे नहीं हटा होता तो ये तो उसके लिए काफी बड़ी बात होती और खबर मिलते ही वो दौड़ा दौड़ा भागा आता। यहाँ पे कैश मॉडल जेनी और मुयर की तरफ देखते हुए तुरंत ही अपने दिल में सोचता है कि दोनों लड़कियां हैं तो काफी चालाक, साथ ही सुंदर भी, आइडेंटिटी नॉर्मल तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये दोनों है कौन जिसके बारे में जॉन ने मुझे नहीं बताया? इसलिए वो तुरंत ही कहता है, मुझे माफ करिएगा, क्या आप बता सकती हैं आप दोनों कौन हैं? जिस पे जेनी तुरंत ही स्माइल करती हुई कहती है, मेरा नाम है जेनी, और बगल में मुयर की तरफ देखते हुए तुरंत ही कहती है, और यह है किंग मुयर। तभी वो तुरंत ही कहती है, जेनी, जेन सरनेम, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जेन बुफान, जेन जोंग फू, और वो बात पूरी कर पाता कि तभी वो कहती है, वो मेरे फादर हैं। जो देखकर तो कैसे मॉडल कहते हैं, क्या आप ह्यूमन एम्परर की बेटी हैं? चलो भाग के शादी कर लेते हैं, ऐसा थॉट उसके दिल में आता है। और उसके बाद कैसे मॉडल तुरंत ही कहता है, आपसे मिलकर खुशी हुई। और इसके बाद वो किंग मुयर की तरफ देखते हुए कहता है, आपका सरनेम किंग है जो कि डेमन एम्परर किंग हाउरान के जैसा ही है। तभी मुयर तुरंत ही कहती है, वो मेरे बिग ब्रदर हैं। जो सुनकर तो किंग हाउरान इसके ब्रदर हैं। कैश मॉडल अपने दिल में कहता है, तुम भी भागना चाहो तो भाग सकती हो मेरे साथ। यहाँ पे कैश मॉडल दोनों को ही स्माइल पास करता है, साथ ही उसने डिफरेंस फील किया था, जहाँ उसने फील किया था कि जेनी से जब उसने पूछा तो जेनी ने कहा, वो मेरे फादर हैं, जबकि मुयर से पूछने पर उसने कहा था, मेरा सबसे बड़ा भाई, जिसका मतलब था कि जेनी एक बेल परफेक्ट फैमिली से है जो बातों को रखना जानती है, जबकि मुयर बिल्कुल सीधी सादी सी, और किंग मुयर का सीधा सादापन उसे काफी पसंद आता है। और इसके बाद वो तुरंत ही कहता है, वास्तव में मेरे भाई पर तो मुझे काफी प्राउड फील हो रहा है, दो राजकुमारियां उसके लिए काम कर रही हैं, शौक भी बड़ी चीज है। तभी जेनी अपनी बात रखते हुए कहती है, क्या मैंने आपके लिए काम नहीं किया? जिस पे कैश मॉडल हंसते हुए कहता है, मैंने लंबे समय से सुना था मिस जेनी चीजों को संभालने में काफी अच्छी है। जिसके बाद वो याओ योटियान की तरफ देखते हुए कहता है, सीनियर आप कौन हैं? जो सुनकर याओ योटियान अपने गले को चौड़ा करते हुए, सीना चौड़ा करते हुए मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं याओ क्लेन का पैट्रियार्ट याओ योटियान हूँ। और जब कैश मॉडल को पता चलता है कि याओ क्लेन के पैट्रियार्ट हैं, तो वो तुरंत ही रिस्पेक्टेड होकर उन्हें गुड ग्रीट करता है। आखिरकार याओ योटियान की पोजीशन अभी भी जेनी और मुयर से ज्यादा थी, साथ ही किलिंग ब्लड केम में उसे पता चला था कि ये जो यान के मास्टर भी थे, तो रिस्पेक्ट करने का एक और रीजन वहाँ पे अपीयर हो गया था। तभी याओ योटियान भी उन्हें ग्रीट करते हुए कहते हैं, यंग मास्टर कैश साहब काफी ज्यादा पोलाइट है। यहाँ पे तो याओ योटियान अपने दिल में जो यान को लेकर काफी प्राउड फील करते थे कि ऐसा डिसाइबल उन्हें मिला है कि उसके नाम के चक्कर में सारे लोगों से ग्रीट कर रहे हैं, साथ ही याओ लाओ से भी ज्यादा प्राउड उन्हें फील हो रहा होता है। जब कैश मॉडल को यह पता चलता है कि हर कोई यहाँ का जो यान का ट्रस्टेड पर्सन है, तो वो तुरंत ही कहता है सिस्टर, हालांकि आपका ब्लड वारक्राफ्ट फैमिली से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि आप एक हैविंग स्वेलिंग पाइथन है जो कि मेरे वारक्राफ्ट फैमिली से ही रिलेटेड है। आप एक गार्डियन बीस्ट की तरह हैं जिसे आप तलाश नहीं कर सकती, लेकिन हम आपको फील कर सकते हैं। जो सुनकर तो कालीन हैरान हो जाती है कि उसे खुद नहीं पता था कि उसकी प्रेजेंस इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि उसने याओ योटियान के इंप्रेशन से कैश बारकार फैमिली की पावर के बारे में अंदाजा लगा लिया था, साथ ही उसने देखा था कि ह्यूमन एम्परर की बेटी जेनी और डेमन एम्परर की सिस्टर किंग मुयर भी कैश मॉडल के लिए पोलाइड है, तो इतना तो पता था कि वारकार फैमिली काफी पावरफुल होगी। दूसरा याओ योटियान तो लगभग शॉक होते क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कालीन हैविंग स्वेलिंग पाइथन है जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सुना, और वो बारकार फैमिली की गार्डियन बीस्ट भी है। तब उन्हें समझ में आता है कि वारकार फैमिली के दो सेवन स्टार के डाउडी कालीन को लेने के लिए क्यों आए थे, क्योंकि गार्डियन बीस्ट तो किसी के लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तभी जेनी कहती है, जिन्हें आना था वो आ चुके हैं, तो हम जियो मेंशन में क्यों नहीं चलते, हमें मिस कालीन को थोड़ा सा आराम करने देना चाहिए। साथ ही वो तुरंत ही कहती है, यंग मास्टर जियो के मास्टर याओ योटियान, क्योंकि आप भी यहाँ पे आए हुए हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी हमारे साथ याओ लाओ, मतलब जियो यान के मास्टर याओ लाओ को लेकर जियो मेंशन में जरूर चलेंगे, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? याओ योटियान जेनी की बात को सुनकर और इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हुए तुरंत ही एग्री हो जाते हैं और कहते हैं, ठीक है तो फिर चलो जियो मेंशन एक साथ चलते हैं। और याओ चैन भी वैसे भी जो यान से मिलेगा। हालांकि जब हर कोई जाने वाला था, कालीन अपना सिर लाते हुए गुस्से से कहती, नहीं, मैं जो यान का यहाँ पे आने तक इंतजार करना चाहती हूँ। उसने सोचा था कि जब वो डाउडी कॉन्टिनेंट में आएगी तो जो यान उससे मिलने के लिए आएगा, उसे लेने के लिए आएगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि जो यान यहाँ पे नहीं आया, जिससे वो दुखी फील कर रही थी।
कायलिन की बात को सुनकर तो कैस मोर्टल तुरंत ही रुक जाता है और कायलिन की तरफ देखता है और जेनी मुयर की तरफ। साथ ही जेनी थोड़ा सा एम्बेरस होती है और मुयर तो उदास हो गई होती है। तभी कैस मोर्टल कहता है, सिस्टर ब्रदर जोयान कल्टीवेशन में है और उसे पता नहीं है कि आप यहाँ पे हैं। साथ ही हमें से किसी को नहीं पता कि उसे बाहर आने में कितना टाइम लगेगा, इसलिए आपको जो मैंसन चलना चाहिए और उनके रिट्रीट से बाहर आने का वेट करना चाहिए। साथ ही इस टाइम तक आप जो मैंसन की सिचुएशन के बारे में भी आप जान सकती हैं। आप क्या सोचती हैं? तभी कालिन तुरंत ही अपना सिर हिलाते हुए कहती है, यूनर कहाँ पे है? यूनर अभी कहाँ गई? जेनी और किंग तो एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं, यूनर कौन? यूनर अरे कौन है ये और कहाँ है ये? तभी कालिन कहती है, हाँ यूनर। वो तुरंत ही कहती है, क्या तुम लोगों ने उसे नहीं देखा? तभी जेनी को याद आता है कि जो यान ने एक बार उसे बताया था कि डुई के कॉन्टिनेंट में उसकी दो वाइफ है जिसमें एक का नाम है कालिन और दूसरी का नाम है यूनर। साथ ही जब उसने यूनर की बात की थी तो जोयान की आंखें और फीलिंग्स बिल्कुल अलग थी, इसलिए वो तुरंत ही कहती है, क्या यंग मास्टर जो की सेकंड वाइफ भी आ गई है डाउडी कॉन्टिनेंट में? लेकिन कब आई? जेनी को उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में यूनर कालिन और टीचर यावलाओ से पहले आ चुकी है, क्योंकि जोयान अभी तक उससे नहीं मिला था और डाउडी कॉन्टिनेंट में किसी को भी ढूंढना वास्तव में काफी मुश्किल है। तभी कालिन कहती है, लगभग 10 साल पहले। जो सुनकर तो जेनी की हार्ट बीट तुरंत ही तेज हो जाती है और दिल में बुरे बुरे थॉट आने लगते हैं कि 10 साल पहले कालिन यूनर आ चुकी थी। यहाँ पे आओ योटियान कैस मोर्टल मुयर सभी लोग टेंशन में होते हैं। साथ ही वो तुरंत ही कहते हैं, मैं 1000 साल से यहाँ पे हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहाँ पे जो यान को ढूंढते हुए आया है या शायद मैंने इसकी तलाश नहीं की। साथ ही जो को यहाँ नॉन पर्सन नहीं है, अगर डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर उसके बारे में पूछा जाए तो उसे ढूंढना काफी आसान है। यहाँ पे तो कालिन और यावलाओ दोनों ही काफी हैरान होते हैं। तभी कालिन और यावलाओ दोनों ही कंफ्यूज होते हुए कहते हैं, लेकिन वो तो 10 साल पहले आई थी, तो 1000 साल? तभी जानी टीचर यावलाओ और कालिन को समझाते हुए कहती है, आप नहीं जानते डाउडी कॉन्टिनेंट और बाकी के सब कॉन्टिनेंट उनका टाइम जोन अलग है। डाउडी कॉन्टिनेंट का टाइम 100 टाइम फास्ट चलता है, इसलिए दूसरे कॉन्टिनेंट में 100 साल 10 साल यहाँ के 1000 साल के बराबर है। जो सुनकर तो कालिन और यावलाओ के इम्प्रेशन बदल जाते हैं कि अगर यूनर 1000 साल पहले यहाँ पे आई थी तो वो है कहाँ पे। साथ ही कालिन और यूनर एक सिस्टर की तरह थी और पहले की तरह वो ईगोफुल नहीं थी, इसलिए कालिन तो टेंशन में रोने लगी होती है। इसके बाद वो चिल्लाती हुई तुरंत कहती है, जो यान को बाहर आने के लिए मैसेज भेजो, अगर यूनर गायब है तो वो कैसे रिट्रीट कर सकता है, उसे तुरंत यूनर को खोजने के लिए कहो, अगर वो यूनर को नहीं ढूंढ सका तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। हालांकि यहाँ पे यावलाओ भी थोड़ा सा टेंशन में होते, लेकिन किसी के रिट्रीट में प्रॉब्लम कैसे क्रिएट कर सकते थे, इसलिए टीचर यावलाओ कहते हैं, यूनर जो यान की वाइफ और जो मैंसन की यंग मिस, इसलिए जो मैंसन के लोग भी इसके लिए टेंशन में होंगे और जॉन जरूरी इसे ढूंढने के लिए सबसे बेस्ट करेगा। और जेनी और यावलाओ कालिन को थोड़ा सा तसल्ली देते हैं। साथ ही यहाँ इन्हें लग रहा होता कि शायद यूनर को उसकी फैमिली वाले लोगों ने उठा लिया हो, इसलिए वो पूछते हैं, क्या यूनर का फैमिली डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर है? तभी कालिन तुरंत ही उम्मीद के साथ कहती, यूनर डुई के कॉन्टिनेंट में एशियन ट्राइब ग्रू क्लेन की मेंबर थी, तो क्या डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर भी एशियन क्लेन या ग्रू क्लेन है? तभी हर कोई कहता है, एशियन क्लेन, क्योंकि डाउडी कॉन्टिनेंट में तो ऐसा कोई भी क्लेन नहीं था। तभी आओ योटियान क्या के साइन होती है और वो तुरंत ही कहते हैं, हाँ मुझे याद आया, एक ऐसी फैमिली है, एक रेयर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट है जो काली चट्टान घास, वो एशियन क्लेन के एरिया में उगती है, हालांकि और भी जगह पर है लेकिन उस एरिया में सबसे ज्यादा। जो सुनकर जेनी तुरंत इस्तेमाल करते हुए याओ योटियान से पूछ दे, तो क्या आप एशियन क्लेन को जानते हैं? क्या आप उस क्लेन के बारे में कुछ जानते हैं? तभी आओ योटियान इस्तेमाल करते हुए कहते हैं, वो ग्रास रेयर है लेकिन लो ग्रेड का इंग्रेडिएंट है जिसे हम मार्केट से खरीद सकते हैं और इसे इकट्ठा करने के लिए लोगों को भेज सकते हैं, इसलिए मैं भला वहाँ क्यों जाऊँगा, ये सिर्फ इतना है कि वहाँ जाने का जो रास्ता है वो काफी कठिन है। तभी जेनी कहती है, जब तक हमें ये पता है कि एशियन ट्राइब है यहाँ पे, एशियन क्लेन है, चीजों को संभालना आसान होगा। और कालिन और यावलाओ को तसल्ली देती है और कहती है, हो सकता है कि यूनर को उसकी फैमिली वाले ले गए हों। तभी कालिन उदास होते हुए कहते, लेकिन यूनर ने जो यान को क्यों नहीं ढूंढा? मैंने कहा था ना सीक्रेट रिवील होगा, यही वो सीक्रेट है कि यूनर गायब है। तभी जेनी कहती है, क्या आप यूनर के बारे में बता सकते हैं कि यूनर कैसी लगती है? तभी जेनी के क्वेश्चन को सुनकर यूनर ढूंढने में इजी करने के लिए यूनर की तारीफ करते हुए कहती है, मैं ऐसा तो नहीं कहूंगी कि मैं यूनर की तारीफ करती हूँ, लेकिन यूनर उतनी ही सुंदर है जितनी कोई परी होती है, कोई भी उसे देख कर जेलिसी फील कर सकता है। साथ ही कालिन तुरंत ही खुद को रोकते हुए कहती, नहीं यूनर के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। तभी जेनी कहती है, मिस कालिन एशियन क्लेन के बारे में तो हमने भी नहीं सुना, तो यह कोई छोटा क्लेन होगा, साथ ही ये काफी खतरनाक जगह पर भी है और डाउडी कॉन्टिनेंट इतना बड़ा है तो पॉसिबल है कि यूनर की फैमिली यंग मास्टर जो यान के बारे में पता न लगा पाए। और इसके अलावा यूनर केवल 1000 ईयर पहले ही तो डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर आई है और उसकी पावर अभी काफी वीक है, अगर वो यंग मास्टर जो यान को खोजने के लिए आना भी चाहती है तो उसे काफी सारे खतरनाक एरियो और हाई लेवल के बीस्टों से होकर गुजरना होगा जो कि आसान काम नहीं है, तो शायद वो कड़ी प्रैक्टिस कर रही हो, इसलिए चिंता न करें, मुझे नहीं लगता कि मिस यूनर के साथ कुछ भी गलती हुई होगी। तभी कैस मोर्टल तुरंत ही कहता है, मिस जेनी आप सभी को पहले जो मैंसन ले चलिए, साथ ही जोन मेरा भाई है उसके मामले मेरे मामले हैं,
वो प्रेजेंट टाइम पे रिट्रीट कर रहा है। इसलिए मेरा ये डिसीजन है कि जब तक आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है और आपको मेरी वारकार फैमिली की मदद चाहिए, बस आप कह सकती हैं। तभी याओ योटियन भी कहता है, हाँ हाँ मेरी याओ फैमिली भी रेडी है। तभी किंग मुयर कहती है, मुझे भी अपने ब्लड डायमंड ट्राइब के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप सभी तो जानते ही हैं। तभी जानी तुरंत ही सबे धन्यवाद कहती है। उसे पता था कि बाकी सभी लोग को भी उतनी ही चिंता है जितना कि उसे। साथ ही कालेन और टीचर याओ लाओ भी काफी समझदार पर्सन थे। वो वाला कैसे नहीं समझ सकते थे कि चीजें उतनी इजी नहीं है जितनी लग रही है। लेकिन अगर ब्लड डायमंड फैमिली, वारकार फैमिली और याओ फैमिली और जो फैमिली जैसी बड़ी ताकतें जूनर को ढूंढने वाली हैं, तो वो लोग थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सकते थे। जिसके बाद सभी लोग जो मैंसन की तरफ उड़ जाते हैं। साथ ही यहाँ पे रास्ते में ये लोग कालिन से यूनर के बारे में कुछ बातें करते हैं। साथ ही यहाँ पे जेनी ने वॉइस ट्रांसमिशन जिंग बुचेन को भेज दिया था और यूनर के बारे में डिटेल बता दी थी। साथ ही यहाँ पे किलिंग ब्लड केप के बारे में शानदार जुआन के कामों के बारे में ये डिस्कस करते हुए थोड़ा सा इन्हें रिलैक्स फील कराने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जुआन ने तो ये किया, जो यान ने तो वो किया, जो यान ऐसा है, जुआन वैसा है, जुआन ने चार चार लड़कियों से शादी कर ली है, ये भी बता दो उसे। काफी लॉन्ग जर्नी के बाद जैनी बाकी सभी लोग जुक्सी सिटी पहुंच जाते हैं और यहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें, लोगों की चहल पहल और हलचल को देखकर सभी लोग काफी खुश भी महसूस करते हैं। तभी जैनी बड़ी सी इमारत की तरफ इशारा करते हुए कहती है, मास्टर यावलाओ और मिस कालिन, ये जियो मैंसन है। जैनी की उम्मीद के अकॉर्डिंग कालिन और टीचर यावलाओ जब इतने बड़े मैंसन को देखते हैं जो अनगिनत मीलों तक फैला हुआ होता है, चारों तरफ सुंदर झीलें, घने पेड़, सफेद गलियारे, लाल फूल, तो वो काफी हैरान होते हैं। साथ ही वो तुरंत ही कहते हैं, सिटी के सेंटर में रहते हुए इतना बड़ा एरिया कैसे मिला? जिसपे जेनी और मुगर एक दूसरे को देखते हुए स्माइल करते हैं और कहते हैं, ये बस किसी का गिफ्ट था, इसमें उनका कोई भी पैसा खर्च नहीं हुआ। जो सुनकर तो दोनों ही शौक होते हुए कहते हैं, किसी ने गिफ्ट कर दिया? कालिन तो तुरंत ही हैरान होते हुए कहती, किसी लड़की ने तो नहीं किया? और जॉन को इतनी बड़ी हवेली के लिए उस पर्सन की कितनी बड़ी मदद करनी पड़ी है, कहीं उसने खुद को तो नहीं बेच दिया? यहाँ पे कालिन के सवाल को लेकर तो हर कोई हैरान होता है। तभी यहाँ योटियन इस्तेमाल करते हुए कहते हैं, लड़की अगर वास्तव में जो यान खुद को बेचना चाहता है ना, तो सबसे पहले मैं उसे खरीदना चाहूंगा, लेकिन शायद मैं उसे खरीद नहीं सकता। और मेरी तो बात ही छोड़ दो, जिस इंसान ने उसे ये मेंशन दिया है वो भी उसे नहीं खरीद सकता। तभी किंग मोयर भी प्राउडफुल तरीके से कहती है, वो काफी अमीर है और कोई अगर उसे खरीदने आता है तो कहीं ऐसा ना हो कि वो ही उसे खरीद ले। तभी दोनों को क्यूरियस देखकर जेनी समझाते हुए कहती है, ये मर्चेंट अलायंस जॉन को गिफ्ट के तौर पर मिला क्योंकि यंग मास्टर जियो के पास काफी हाई रैंक के पिल फॉर्मूले थे जिन्होंने पूरे डाउडी कॉन्टिनेंट में सनसनी फैला दी है और उनके सपोर्ट से ही यंग मास्टर जियो काफी अमीर है और ये गिफ्ट उन्हीं का तोहफा है। जब कालिन को इसकी बात पता चलती है तो वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करती है। दूसरा टीचर यावलाओ जो कि एक एल्केमिस्ट थे, जब उन्हें पता चलता है कि हेवन को चैलेंज करने वाले पिल फॉर्मूले, तो वो तो तुरंत ही एक्साइटेड हो जाते हैं और पेट में गुलू गुलू होने लगता है कि मुझको चाहिए वो फॉर्मूले, ड्यूकी कॉन्टिनेंट में मैंने भी तो दिए थे। और जब पिल रिफाइनमेंट की बात आती तो अपने मास्टर यावलाओ का सबसे फेमस धंधा ही यही था। तभी जैनी उन्हें बताती है, यंग मास्टर जो कि दो पिल्स हैं, किंगलिन लिक्विड जो कि 5 स्टार तक आपकी बैटल क्वी को तुरंत ही रिकवर कर सकती हैं विद इन अ सेकंड, और दूसरी है क्वी ब्लड क्वी पिल जो कि आपकी चोटों को तुरंत ही ठीक कर सकती है। तब टीचर यावलाओ तुरंत ही कहते हैं, ये छोटा साथी भी वास्तव में डाउडी कॉन्टिनेंट में आने के बाद भी इसकी किस्मत अभी भी उसी तरीके से है। तभी मुगर तुरंत ही कहती, इसमें अच्छा क्या है? उन पिल फॉर्मूलों के कारण कंटिन्यू उसके ऊपर अटैक किए गए, उसका पीछा किया गया, यहाँ तक कि उसकी फैमिली के ऊपर अटैक करके उसे लगभग खत्म कर दिया गया था। उसे ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है, यहाँ तक कि कुछ टाइम पहले तो उसने लगभग अपनी जान गंवा दी थी। तभी जैनी तुरंत ही कहती, मिस मुयर, लेकिन तब तक तो देर हो चुकी थी। कालिन का चेहरा कागज की तरह सफेद, ऐसा लग रहा था दिल मुंह से बाहर आकर बाहर धड़कने लगेगा। और किंग मुयर को यहाँ पता चलता है कि उसने मिस्टेक कर दी, इसलिए वो तुरंत ही अपना सिर नीचे कर लेती है। तभी कैस मोटल कहता है, मिस जेनी मुझे पता है ब्रदर जो यान की सोल डेमेंस के साथ दुश्मनी है। किलिंग ब्लड क्लेम में सोल डेमेंस में से एक ने जो यान के ऊपर अटैक भी किया था, लेकिन जॉन ने उसे मार दिया था। तभी जेनी कहती, नहीं इस बार सोल डेमेंस नहीं थे बल्कि ये पिल पवेलियन के लोग थे, डांडियान। जो सुनकर तो योटियन गुस्से से कहते हैं, डांडियान। और कैओस इमॉर्टल के भी इंप्रेशन बदल गए होते हैं और कालिन और टीचर यावलाओ एक ही टाइम पूछते हैं, क्या पिल पवेलियन बहुत स्ट्रॉन्ग है? तभी याओ योटियन कहते हैं, न केवल पावरफुल बल्कि डाउडी कॉन्टिनेंट के सबसे बेस्ट में से एक। जो सुनकर तो कालिन जो यान और जो मैंसन को लेकर और टेंशन में आ जाती है कि क्या जो यान और जो मैंसन के ऊपर से खतरे कम नहीं हो सकते। तभी जेनी स्माइल करते हुए कहती है, पिल पवेलियन स्ट्रॉन्ग है पर इतना भी नहीं कि डाउडी कॉन्टिनेंट में वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। आप क्या सोचते हैं यंग मास्टर कैओस? जो सुनकर कैओस इमॉर्टल भी जागते हुए कहता है, हाँ हाँ डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसी कोई भी ताकत नहीं जो अकेले पूरे डाउडी कॉन्टिनेंट को कवर करने की हिम्मत रखती हो। साथ ही वो गुस्से में पूछता है कि आखिरकार डैन पैलेस जोयन को क्यों मारना चाहता है। जो सुनकर वो कहती है, यंग मास्टर जो ने उनके दोनों बच्चों को मार डाला। जो सुनकर कैसे मॉडल कहता है, बकवास, मैं किलिंग ब्लड केम में जो यान के ही साथ था, उसने कब मारा?
तभी उसे याद आता है कि उस टाइम पे वो रेज ड्रैगन डैन बिंग्यांग से मिलना तो चाहते थे लेकिन उसे देखा तक नहीं, और वो तुरंत ही कहता है हो सकता है कि उसे किसी और ने मारा हो। साथ ही साथ वो मुझ पर और रेज ड्रैगन पर आरोप नहीं लगा सकते, इसलिए उन्होंने ये मामला जो यान पर डाल दिया। मैं कैओस इमॉर्टल ब्रदर जो यान के साथ था और इस मामले का दोस्त, मैं अकेले उन्हें नहीं लेने दे सकता। यहाँ पे जो मुयर होती है वो तो चुप ही होती है क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने कुछ बोला तो उसकी जबान फिसल जाएगी और बात कहीं आगे ना बढ़ जाए। तभी जैनी कहती चलो सभी लोग अंदर चलते हैं। अभी भी हमारे जोकलेन के अंदर काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको हैरान कर सकती हैं, धीरे धीरे आपको पता चलेगा। और इसके बाद वो तुरंत जो मैंसन के गेट की तरफ जाने लगती है। साथ ही जैनी का मैसेज जो मैंसन के गेट के अंदर जाता है और मैसेज मिलते ही तुरंत ही गेट गड़गड़ाहट की आवाज के साथ ओपन होता है। जो याओ, जो कोई, ले सा लोंग, जो जान, जोली, सभी लोग एम्परर लॉन्ग एम्परर में खड़े हुए होते हैं और सभी का वेलकम करते हैं। साथ ही जैसे ही वो काइलिन को देखते हैं तो यहाँ पे सब कोई रुक गया होता है, ठीक उसी तरीके से जैसे जेनी और मुया रुक गई थी काइलिन की ब्यूटी को देखकर। यहाँ पे काइलिन तुरंत ही उन सभी को देखती है जो उसका वेलकम करने के लिए आए थे, और इसके बाद उसकी नजर जो कोई पर रुक जाती है तो तुरंत ही वो अपनी भौहें से खोल लेती है। यहाँ पे जो कोई जिसने व्हाइट कलर के कपड़े पहने होते हैं और बिल्कुल स्नो आइस में खिले हुए पिंक लोटस की तरह वो लग रही होती है। हालांकि जो कोई जेनी और मुयर जितनी सुंदर नहीं थी लेकिन फिर भी वो बहुत सुंदर थी। साथ यहाँ पे जो मेंशन में वो सबसे घिरी हुई होती है तो काइलिन को लगता है कि शायद इसकी पोजीशन कम नहीं होगी। तभी जैनी जो कोई को काइलिन से मिलवाने के लिए आती है तो वो देखती है कि जब पहली बार मुयर जो कोई से मिली थी तो मुयर की आंखों में जो इम्प्रेशन था काइलिन की आंखों में बिल्कुल सेम वही इम्प्रेशन होता है, एनिमी वाला और अलर्ट, इसलिए उसके मुंह में जो वर्ड होते हैं उन्हें बोलना मुश्किल हो गया होता है। और यहाँ पे वो समझ गई होती है कि मुयर और जॉन के बीच का रिलेशन अभी कालिन को नहीं बताना है। साथ ही क्योंकि जो कोई जो मेंशन की मालकिन थी तो अगर उसे कालिन से नहीं मिलवाते तो यहाँ पे प्रॉब्लम थी, लेकिन अगर वो ऐसा करती है तो कालिन नाराज हो सकती थी और एक बड़ा हंगामा हो सकता था, इसलिए जेनी भी थोड़ा सा एम्बेरस फील करती है। और कालिन जेनी की एम्बेरसनेस और झिझक को देखते हुए तुरंत ही समझ जाती है कि मामला क्या है, तो उसका चेहरा काला पड़ गया होता है। हालांकि किंग मुयर स्टार्टिंग में तो जो कोई के लिए अच्छा फील नहीं करती थी लेकिन अब वो लोग जो मेंशन के अंदर बिल्कुल एक सिस्टर की तरह थे। तभी मुयर का तो मूड खराब हो जाता है जब वो देखती है कि कालिन यहाँ पे काफी गुस्से में है और जो कोई को देख रही है, तो वो तुरंत ही गुस्से में कहती अपने दिल में कहती है कि यहाँ पे जो मेंशन के पैट्रियार्ट ओल्ड पैट्रियार्ट और बहुत सारे लोग हैं, भले ही तुम लिटिल लायर की पहली वाइफ हो तो भी तुम क्या यहाँ पे किसी के ऊपर गुस्सा हो सकती हो? मैं आज तुम्हारी सारी रिपोर्टेशन को डिस्ट्रॉय कर दूंगी और तुम्हें बताऊंगी कि तुम अकेली नहीं हो जो लिटिल लायर की वाइफ हो। आखिरकार बेचारी किंग आवरान की लिटिल सिस्टर थी और किंग आवरान और जो यान को छोड़कर उसने कभी भी किसी के गुस्से को बर्दाश्त नहीं किया था, इसलिए वो जो कोई की तरफ कुछ कदम आगे बढ़ते हुए उसका हाथ पकड़ती और कालिन की तरफ आते हुए छाती फुलाती है। हालांकि उसकी चेस्ट कालिन जितनी बड़ी नहीं थी पर भी फिर भी ये ठीक ठाक थी, जिसके बाद वो तुरंत ही कहती मैं आपको इनसे मिलवाती हूँ। जो सुनकर तो कालिन को लगता है कि शायद ये उकसा रही है और मेरे सामने दिखावा कर रही है, इसलिए वो तुरंत ही रूट तरीके से मुयर की तरफ देखती है। और जेनी को लेकर जो उसका अलर्ट बिहेवियर था धीरे धीरे कम हो जाता है और मुयर को लेकर थोड़ा सा बढ़ जाता है। हालांकि मुयर से भी उसे उतना डर नहीं था क्योंकि अगर मुयर जो कोई के लिए खड़ी हो रही है तो इसका मतलब था कि इसका भी पत्ता साफ होगा और जो कोई के साथ ही टाका भिड़ा होगा, तो जो कोई को देखकर उसे थोड़ा सा डर लग रहा होता है। हालांकि जो कोई को डर था कि मुयर इस टाइम पे कालिन को उसकी आइडेंटिटी बताएगी तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है, इसीलिए वो तुरंत ही आगे आती है और तुरंत ही क्यूरियस होते हुए कहती है सिस्टर कालिन आप काफी ज्यादा थक गई होंगी, चलिए मेंशन में चलते हैं, लोगों के बारे में जानने से पहले आप थोड़ा आराम कर लीजिए। लेकिन मुयर तो यहाँ गुस्से में होती और बौखलाई हुई, वो भला इतना वेट कैसे कर सकती थी, इसलिए वो तुरंत ही कोल्ड स्माइल के साथ कहती है ये जोयान की वाइफ है जियो कुई। जो सुनकर तो कालिन की आंखें बिल्कुल खंजर की तरह जियो कुई के ऊपर चार्ज होती है और वो बस कंटिन्यू जियो कुई को देख रही होती है। जो देखकर तो जानी अपना सिर पकड़ते हुए कहती है ये लड़की इतनी बेवकूफ क्यों है, क्या भगवान ने इसे दिमाग नहीं दिया? दूसरा जो मेंशन करते याओ योटियान कैओस इमॉर्टल और चीचा याओ लाओ, तीनों के तीनों हैरान होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि अब क्या करना चाहिए। तभी कालिन गुस्से से हंसते हुए कहती है तो अब मुझे पता चला कि जब आप पहली बार मुझसे मिली थी तो आपके इम्प्रेशन अच्छे क्यों नहीं थे, तो वास्तव में यहाँ पे ये गड़बड़ है। जो सुनकर तो जैनी मामला संभालते हुए कालिन को मनाते हुए कहती है मिस कालिन कृपया शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए और अंदर चलिए। लेकिन तभी तो कालिन अपना हाथ बढ़ाते हुए उसे रोकते हुए जो कुई की तरफ देखती है और उसकी तरफ इशारा करते हुए वो तुरंत ही मुयर से कहती है क्या तुम भी उसके करीब हो या तुम्हारा उसके साथ कोई रिश्ता है? हालांकि लड़कियों का थॉट अलग ही होता है, उन्हें पता था कि लड़कियां एक दूसरे से जलेसी फील करती हैं और क्योंकि किंग मुयर जो कोई के लिए खड़ी हो रही है तो जो यान से तो इसका रिलेशन नहीं होना चाहिए वरना तो जलेस फील करती, इसीलिए हो सकता है कि किंग मुयर का जो कोई के साथ क्लोज रिलेशन हो, लेकिन फिर भी वो जानना चाहती थी कि मुयर और जो यान के बीच का रिश्ता कैसा था। साथ यहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे मुयर जो कोई की तरफ से अपना गुस्सा निकाल रही थी। हालांकि तभी मुयर तुरंत ही कहती है मैं किंग मुयर, और इसके बाद वो बोलने वाली होती कि अचानक रुक जाती है और उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है,
क्योंकि केवल कुछ ही लोग जानते थे कि उसकी जान की सगाई हो चुकी है। याओ यूटियान केओस इमोर्टल बाकी के लोग भी तो यहाँ पर थे और अपने गुस्से के चक्कर में वो सब कुछ बर्बाद तो नहीं कर सकती थी। इसलिए कैलिन के सवालों को सुनते हुए वो केवल गुस्से से कैलिन को देखती और पैर पटकते हुए जो मैंसन के अंदर चली जाती है। और याओ यूटियान केओस इमोर्टल बाकी लोग को लगता है कि कैलिन के साथ नाराज होकर मुगर चली गई है। आखिरकार बेचारी डायमंड एम्परर की सिस्टर थी, जो चाहे कुछ भी हो ईगो तो उसके अंदर होना ही चाहिए था। साथ ही वो जो मैंसन के अंदर एक गेस्ट है और उससे ज्यादा जो यानो उसके बीच में कोई रिलेशन नहीं। लेकिन जेनी यहाँ पे कैसे नहीं सोच सकती थी कि कैलिन क्या सोच रही है, और ये देखकर कि सिचुएशन कंट्रोल के बाहर होने वाली है इसलिए वो तुरंत ही कहती है, एक बॉयज ट्रांसफ्यूजन की मदद से मिस कैलिन आपने सही अंदाजा लगाया, मिस मुयर ब्रदर जो यान यंग मास्टर जो यान की वाइफ है। लेकिन इस मामले को केवल कुछ ही लोग जानते हैं, इसलिए कृपया इस मामले को शांत रखें, वरना यंग मास्टर जो के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ तक कि यंग मास्टर जो की डेथ भी हो सकती है। जो सुनकर तो कैलिन गुस्से से अपने दांतों से अपने होंठों को काटती है और जो की और मुयर को देखती है। उसे तो ऐसा लग रहा होता है जैसे उसका दिल हजारों चाकुओं से काटा जा रहा है। साथ ही वो यही सोचती कि आखिरकार इतनी बड़ी बात के बाद भी वो क्यों कुछ ना कहे। इस टाइम पे कैलिन थोड़ा सा घबराई हुई होती है कि अगर कुछ बोला तो जियान की जान जा सकती है, और कुछ गुस्सा भी होती है कि उसने ऐसा क्यों किया। साथ ही वो गुस्से में कहती है, क्या सचमुच में वो सब कुछ भूल गया, मुझे यूनर को भूल गया, या वो सोचता था कि मैं और यूनर डाउडी को ब्रेक थ्रू करके डाउडी कॉन्टिनेंट में कभी भी नहीं आ पाएंगे, या फिर वो बदल गया है लड़कियों को देखकर। मुझे उससे इस चीज का स्पष्टीकरण चाहिए, मुझे जानना है कि उसने ऐसा क्यों किया। कैलिन की आंखें कोल्ड ऑरे से भरी हुई होती है और कोई भी डायरेक्ट कैलिन को देखने का हिम्मत नहीं करता। भाई सबकी फट रही होती है इस बंदी को देख के। हालांकि यहाँ पे पावर से कोई लेना देना नहीं था, कैलिन के बिहेवियर को देखकर ही सबकी फटी में चल रही होती है और उन्हें पता था कि जो यान की पत्नी है। साथ ही कैलिन का बिहेवियर इस टाइम पे जॉन की वाइफ जैसा नहीं बल्कि क्यून मेड्यूसा जैसा था, जो पहले गुस्से में हमेशा लाल रहती थी। यहाँ पे कैलिन अपने गुस्से को दबाती और तुरंत ही कहती है, जब तक मैं जो यान को नहीं देख लेती मैं अंदर नहीं जाऊंगी। लेकिन कैलिन के ऐसे बिहेवियर के कारण बाकी के लोग परेशान हो रहे होते हैं। हर कोई यहाँ पे यही उम्मीद कर रहा होता है कि कैलिन इस मामले को जाने दे सकती है। हालांकि यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में किसी भी लड़की का नाराज होना जायज था। कैलिन की बात तो छोड़ ही दो, जो जॉन की फर्स्ट वाइफ थी। तभी जेनी उसे समझाते हुए कहती है, यंग मास्टर जो रिट्रीट में है और कोई नहीं जानता कि उन्हें कितना टाइम लगेगा यहाँ पे आने में। मिस कैलिन चलिए मैंसन के अंदर चलिए। लेकिन कैलिन तो जेनी को इग्नोर मार देती है और तुरंत ही कोल्ड तरीके से सबको इग्नोर मारते हुए कहती है, मैं चाहती हूँ कि जो यान मुझे स्पष्टीकरण दे। आप जो यान की तरफ से मुझे स्पष्टीकरण दे सकती हैं? ये देखकर तो सभी कोई एक दूसरे की तरफ देखने लगता है कि जो यान के ना होने पर जो यान की तरफ से कौन डिसीजन ले सकता है। और यहाँ पे कैलिन के थॉट्स को सबसे अच्छी तरीके से समझने वाली लड़की केवल एक ही थी, जियो कुई। इसलिए जो कुई तुरंत ही कहती है, ये सब मेरे लिए ब्लेसिंग है कि वास्तव में मुझे मेरे हस्बैंड का सपोर्ट मिला। ये अफसोस की बात है कि सिस्टर उस टाइम पे डाउडी कॉन्टिनेंट में नहीं थी, इसलिए मैं आपको उस टाइम की सिचुएशन के बारे में नहीं बता सकती। ये सब कुछ बस जल्दबाजी में सिचुएशंस के कारण हुआ। मैं अपने दिल में अभी भी खुश हूँ कि वास्तव में सिस्टर वापस आ चुकी है और मैं उनके साथ रह सकती हूँ। लेकिन कैलिन कहती है, बस यहाँ पे तो कैलिन रियल रीजन जानना चाहती थी, बाकी की बात नहीं करना चाहती थी। यहाँ पे तो जो याओ भी हैरान होते कि जोयान की फर्स्ट वाइफ का बिहेवियर तो काफी खतरनाक है। तभी जो याओ जो कि सामने खड़े होते हैं यहाँ पे अपने सामने सिचुएशन को बेकाबू होता हुआ देखते हैं तो तुरंत ही अपने एंसेस्टर होने के पोजीशन का यूज करते हुए तुरंत ही कहते हैं, जियो कोई, उसे डांटते हुए, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, क्या तुम्हें फैमिली का कोई भी रूल्स नहीं पता? यहाँ पे सिस्टर कैलिन जब आई है तो तुम्हें उन्हें घर के अंदर वेलकम करना चाहिए। तुम दरवाजे में उनके साथ फैमिली के मामलों पर डिस्कस कर रही हो। हालांकि मैं यहाँ पे लोगों के मजाक से नहीं डरता। और इसके बाद वो कैलिन की तरफ देखते हुए थोड़ा सॉफ्ट तरीके से और प्यार से कहते हैं, लड़की कैलिन, जो मेंशन में हर कोई आपका रिस्पेक्टेडली वेलकम करता है, अगर तुम्हें कुछ भी कहना है तो पहले अंदर चलो, फिर इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? यहाँ पे तो जो मेंशन में हर कोई पेटिया ट्याओ की दिल ही दिल में तारीफ कर रहा होता है कि बातें तो काफी अच्छी कर लेते हैं। कैलिन को तो तभी पता था जब सभी लोग आए थे कि यहाँ पे सब वेलकम के लिए आए हैं, और वो जानती थी कि जो याओ की पोजीशन ऊंची हो सकती है। लेकिन जब वो वास्तव में जो कोई को डांटते हुए देखती है तो थोड़ा सा हैरान होती है कि इतनी हाई पोजीशन है कि वो जो कोई को डांट सकता है, और तुरंत ही क्वेश्चन मार्क की वाली नजरों के साथ जेनी की तरफ देखती है। तभी जेनी भी अपने दिल में रिलैक्स फील करती है कि चलो टीच मास्टर यानी पेटिया ट्याओ ने सिचुएशन तो सॉल्व की। और इसके बाद वो फुसफुसाते हुए कैलिन से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहती है, ये जो याओ है, जो क्लेन के ओल्ड एंसेस्टर और जो क्लेन के ओल्ड पेट्रियार्ड भी, यंग मास्टर जो के एंसेस्टर आप इन्हें कह सकती हैं। इन्होंने यंग मास्टर जो को पेट्रियार्ड की पोजीशन दे दी है। ये सुनकर कि ये जो क्लेन के एंसेस्टर हैं, कैलिन शॉक हो जाती है। कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितनी भी नाराज थी जो मेंशन में, उसे पता था कि इनके सामने उसे पोलाइट होना ही पड़ेगा, उनका अपमान तो वो जरा सा भी नहीं कर सकती थी। इसलिए जल्दी से शांत होकर तुरंत ही उन्हें ग्रीट करती है। इसलिए वो तुरंत ही कहती है, मैं कैलिन एंसेस्टर और सभी को ग्रीट करती हूँ। लेकिन वो अभी भी जो कुई की तरफ देखते हुए थोड़ा सा नाराज होती है। तभी जो है अपना सिर हिलाते और कैलिन के बिहेवियर से काफी सेटिस्फाइड होते हैं और किनारे को कंट्रोल करते हुए इशारा करते हैं, लड़की कैलिन, जो क्लेन की ओर से मैं डाउडी कॉन्टिनेंट में आपके घर में आपका स्वागत करता हूँ। जब डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर
कैलिन घर नाम सुनती तो उसके दिल में थोड़ी सी गर्माहट होती है और तुरंत ही सबसे घिरे हुए तरीके से वो जो मैंसन के अंदर जाती है। साथ ही जो मैंसन में बैठ वो वहाँ बैठती है जहाँ पे चाय रखी हुई होती है। साथ ही यहाँ पे याओयोटियानो कैसे मोटर जो मैंसन को घूमने का बहाने बनाकर वहाँ से जो मैंसन को घूमने के लिए निकल गए थे क्योंकि जो यान का पारिवारिक मामला था। लेकिन टीचर यावला वहीं पे रुकते हैं। आखिरकार जो उनका डिसाइबल था और उनका रिलेशन फादर और सन के जैसा था। यहाँ तक कि कालिन और यूनन बिल्कुल अपने फादर इल्ला की तरह ही टीचर यावला की सेवा की थी यानी ससुर की तरह, इसलिए वो कालिन के सपोर्ट में यहाँ पे खड़े हुए थे। साथ ही अपनी ग्रैंडसन जो जो से भी काफी क्लोज थे वो, और वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे जो मैंसन में सबके सामने कालिन अलग अलग फील करे। और जो मैंसन में जो यान के मास्टर के तौर पर कोई भी यहाँ पे कालिन को धमकाने में कैपेबल नहीं होगा। तो चलो गाइस इसी के साथ अब ये एपिसोड यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट एपिसोड में आगे की जर्नी देखेंगे कि आखिरकार क्या हुआ था। तो बाय बाय थ्री एंड फाइव।